फिटनेस से गौरव में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि कोई भी अगर इमेज है या उसका इमेज को अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कम रिमूव करें, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली अगर आप फोटोशॉप या कोरल ड्राई ये सब अगर आप नहीं जानते हैं और आप चाहते हैं कि मोबाइल से ही एडिट कर लें या ऑनलाइन जा करके एडिट कर लें तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग एक साइट पर चलेंगे, वहाँ पर चल करके जो कि हम लोग इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। कितना भी मुश्किल या कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो इमेज, वो इमेज को आप बैकग्राउंड काफ़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं, कहीं पर और भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो एक दुका इमेज के लिए काफ़ी अच्छा है, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम लोग आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब यहाँ पर जो कि हम लोग टाइप करेंगे रिमूव, ठीक है। रिमूव बीजी हो गया तो यहाँ से इंटर करें, यहाँ से खुल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला में ऊपर में दिखा रहा है रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एक नया विंडो खोल के इस तरीका का देगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रीव्यू है जो कि कुछ इस तरीका के दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है जो कि आप इसको लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक अपना ईमेल आईडी से लॉग इन किए हुए हैं। तो यहाँ पर है जो कि आपको पहले हम बता देते हैं, अगर आप इमेज को आप यहाँ पे अपलोड करते हैं तो उसको किस तरीका से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा प्रक्रिया यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर है जो कि देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ इंटरफेस इसका इस तरीका से है। ये है जो कि फ्री भी है प्रीमियम भी है, दोनों चीज को मान सकते हैं। अगर आपको हाई क्वालिटी का इमेज चाहिए तो यहाँ प्रीमियम हो जाएगा, और लो क्वालिटी में आपको यहाँ पर फ्री में चल सकता है, क्योंकि आज के डेट में कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे, यहाँ से इमेज है जो कि अपलोड करेंगे, और यहाँ पर जो कि हम लोग चलते हैं नीचे। ये इमेज है, ये इमेज को भी हम लोग ला करके यहाँ पर देख सकते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। तो हम आपको नया इमेज को यहाँ पर रिमूव करके आपको दिखाते हैं। तो ये इमेज को यहाँ पर है जो कि हम ले लेते हैं, और यहाँ से आपके नेट के हिसाब से यहाँ पर अपलोड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, अपलोडिंग ले रहा है। तो ये इमेज को है जो कि अपलोड कर चुका है, अब है जो कि ये देखिए रिमूव कर दिया, ठीक है। ये रिमूव किया तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे शैडो है, ठीक है। अगर आपको इस तरीका से लग रहा है तो आप थोड़ा सा और दूसरा इमेज को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मगर हम आपको और भी दिखाते हैं कि और भी को भी हम रिमूव किए थे, ठीक है, इससे पहले। अब यहाँ पे मेन बात आ जाता है कि देखिए रिमूव तो हो गया, अगर आप लो क्वालिटी में चाहिए, जैसे कि इसको हम यहाँ से इसका देखिए यहाँ पे इमेज का क्वालिटी बता रहा है कितना का, ठीक है, 612x408। ये अगर आप डाउनलोड करिएगा तो ये आपको आराम से आसानी से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको अगर हाई क्वालिटी का, जैसे यहाँ पे देखिए 1920x1279 है, अगर ये हाई क्वालिटी यानी फुल एचडी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको प्रीमियम यानी कि आपको पैसा लगेगा। जैसे यहाँ पे हम हाई क्वालिटी इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एगो यानी कि सबसे पहला पर अगर यहाँ पे आप लॉगिन करते हैं तो एक इमेज को है जो कि हाई क्वालिटी में आप ला सकते हैं, जो कि हम आपको दिखा देते हैं कैसे हम एक को लिया है ऑलरेडी, पहले हम ला करके यहाँ पे रख चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे क्रेडिट करने के लिए कह रहा है क्या। अब यहाँ से हम लोग गेट पे करेंगे तो ये यहाँ पे एक नया विंडो खोल के लिए आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका सारा प्राइस वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप हाई क्वालिटी यानी एचडी इमेज अगर डाउनलोड करिएगा तो आपको पैसा लगेगा, जैसे पैसा यहाँ पे देख सकते हैं 40 गो में यहाँ पे 599 रुपया इतना पर पीस पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे पड़ेगा, यहाँ पे सारा इसका अमाउंट दिया हुआ, यहाँ पर ये साइड में भी इसका अमाउंट दिया हुआ, दोनों का मतलब अलग अलग इसका आपका देख सकते हैं कि इसमें इसका सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे एच डी इमेज चाहिए डाउनलोड करने के लिए तो आपको ये चाहिए, अन्यथा अगर आपको लो क्वालिटी चाहिए तो वो अभी आप यहाँ से फ्री में, जैसे कि अभी आपको हम दिखाएं कि आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये इमेज को हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये इमेज है जो कि हम रिमूव करके लिया है, तो ये ऐसी आ गई, ये लो क्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, देखिए ये इमेज को है जो कि हम ऑलरेडी पहले है जो कि इसको रिमूव करके इसको हम डाउनलोड कर लिए हैं हाई क्वालिटी में। यहाँ पे 3648 था, यहाँ पे 4963 था, ठीक है, इतना पे हम एचडी में इसको डाउनलोड कर लिए हैं, आई लो में भी किए हैं। तो सब हम आपको दिखाते हैं किस तरीका से, यहाँ पे इसको है जो कि हम किए हैं, मगर ये भी है जो कि डाउनलोड यहाँ से हाई क्वालिटी नहीं होगा, मगर अगर लो करना चाहेंगे तो लो हो जाएगा तुरंत, इसको हम यहाँ से कैंसिल किए हैं, अब यहाँ से तुरंत हो गया। यानी कि लो क्वालिटी आप जितना चाहिएगा उतना फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर हाई क्वालिटी का इमेज आपको चाहिए तो उसके लिए है जो कि आपको इसको पे करना पड़ेगा। ये मत कहेगा कि ये कोई स्पॉन्सर है, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, सिर्फ हमको ये पता चला है, तो ये हम खोज रहे थे, खोजते तो ये हमको नजर आ गया, तो इसीलिए हम आप लोग के लिए शेयर कर रहे हैं कि आप लोग को अगर जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और इसमें हमको नया चीज एक चीज देखने में नजर आया, अगर इस तरीका के अगर आप इमेज को अगर आप डायरेक्ट अगर चाह रहे हैं कि कहीं पर सेट करें, जैसे यहाँ पर है
कि अब आपको नया एक इमेज हम दिखाते हैं, ये सामने से एक आ रही है, इसको हम लोग ले लेते हैं दौड़ने वाला, इसको यहाँ से ले लेते हैं, ये यहाँ पर रिमूव करेगा बैकग्राउंड को, और यहाँ पर जो मन चाहा देख सकते हैं जितना भी ये ग्राउंड है यहाँ पर आप चाहें तो उसको फिल कर सकते हैं, मतलब उसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको इमेज है या आपका पर्सनल इमेज है आप चाह रहे हैं कहीं पर सेट करना तो कर सकते हैं। अब जो इमेज यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पहले का रोड था ना, और ये हम ये इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस तरीके से लग रहा है कि ये सामने से इस पे दौड़ते हुई आ रही, तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड को यहाँ से डायरेक्ट ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं अगर आप सेट करना चाहते हैं तो। यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया है, अगर आपको लो क्वालिटी में चाहिए, ये देखिए लो क्वालिटी में आ गया, इसको हम लोग यहाँ से कोडल में ला करके आपको दिखाते हैं कि इसका क्वालिटी क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ला करके हम आपको सब इमेज को दिखाते हैं, ये इमेज यहाँ पे ले आते हैं, ये रहा, और हम इसको यहाँ पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हाई क्वालिटी का रहेगा तो फिर आपको हाई पर करिएगा तो यहाँ पर क्रेडिट देगा, गेट क्रेडिट पे जाकर के आपको यहाँ पर जो है क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि लो और हाई में कितना का अंतर होता है। हम लोग यहाँ पे आते हैं कोरल ड्रा में, यहाँ पे आकर के देखिए, पहले ये इमेज को सेट कर, ये मेरा पहले का इमेज था यानी कि ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, और ये मेरा हाई क्वालिटी का इमेज है और ये मेरा लो क्वालिटी का इमेज है। देखिए तीनों में कितना का अंतर है, ये मेरा ओरिजिनल है, सेम टू सेम ये ऐसा लग रहा है ना, मगर इसमें थोड़ा सा इमेज किरकिरापन लग रहा है, मतलब भरभराहट के टाइप का लग रहा है ना, ये लग ऐसा ही लग रहा है देखने में कि ये लो क्वालिटी का इमेज है, ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा के अंतर रहेगा इमेज में, ऐसा बात नहीं है, तो आपको ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ हाँ अगर ऐसा नहीं है, अगर आप इतना में सोशल मीडिया पर अगर डालना चाहते हैं तो इतना पर भी आपका काम चल जाएगा, तो आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये इमेज को हम यहाँ पे आपको ला करके दिखाते हैं, देखिए ये इमेज भी, क्योंकि ये इमेज ऑलरेडी पहले से ही डंप था तो इसीलिए यहाँ पे उतना अच्छा आया नहीं है, क्योंकि आपको दिखाते हैं ये इमेज कैसा था, तो लो क्वालिटी में इतना का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं लो क्या, लो में कितना है और हाई में कितना है, मतलब ये इसका ओरिजिनल है, ये इसका जो हम लोग रिमूव किए हैं, तो दोनों में इतना का अंतर आ जा रहा है, और यहाँ पर जो कि इतना का अंतर आ जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको अगर सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं तो चल जाएगा, मगर अगर आप प्रिंटिंग या कहीं पर ऐसा जगह पर डालना चाहते हैं तो नहीं चलेगा, मगर ऐसे आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, मगर हम सोचे कि अगर आपको कहीं पर यूज करना है या आपको ऐसा जरूरत रहेगा तो ये वेबसाइट आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट की मदद से आप अपना इमेज को बैकग्राउंड को काफी आसानी से रिमूव कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, जानते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में, इसी तरीके वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं।